झूठे जुमलेबाजों से ना नफरत वाली आंधी से, ये देश अगर चल सकता है तो केवल राहुल गांधी से। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूँ, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूँ, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। बधाई हो आपको, यही असली एग्जिट पोल है कि स्मृति ईरानी लगातार पीछे चल रही है। देश का असली एग्जिट पोल है जो अब दिखाई पड़ रहा है, स्मृति ईरानी जी पीछे हैं। भाजपा किसी भी कीमत पर बहुमत नहीं पाएगी, नहीं पाएगी, नहीं पाएगी। राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी से बहुत उम्मीद है, दिल्ली से बहुत भावुक हो रहा हूँ। जो जुल्म सितम 10 साल सींचे हैं, उसके आज हमारे लिए बहुत बड़ी दिन है, बहुत बड़ी दिन। आज बहुत परेशान इन सरकारों से, जालिमों से, आज हमारा दिन आ गया इन जालिमों को जवाब देने के लिए। दोगली बात कर रही है चुनाव आयोग, समझे ना, देश में क्रांति आएगा, लोकतंत्र की सरकार, ये सत्ता खत्म होगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। की दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है और लगातार काउंटिंग चल रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग चल रही है। और यहां पर जो है ये वो तमाम वो अग्निवीर के नौजवान भी मौजूद हैं जो इफेक्ट हुए हैं। और राहुल गांधी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बन जाती है तो अग्निवीर योजना को फारपूर के डस्टबिन में डाल देंगे। इन लोगों से भी बात करेंगे, क्या कहते हैं, खुश है? बहुत खुश है। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस समय कोई भी मीडिया हमारी आवाज नहीं उठा रही थी, उस समय आप लोगों ने हमारा आवाज उठाया। और राहुल गांधी जी जिस तरह से वादा किए हैं, हमें उम्मीद है कि जरूर हमारा मतलब भर्ती क्लियर करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने वादा किया था, उस तरह हमने भी वादा किया था। पूरे देश में घूमकर बीजेपी का विरोध किया है, हर तरह से हम सभी युवा एकजुट होकर इनका साथ दिया और आगे भी इनका साथ देंगे। अगर सरकार बनती है तो हमारी भर्ती क्लियर होगी, मतलब मैनिफेस्टो में हमारा भर्ती का भी शामिल किया गया। नौजवान दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, इंडिया गठबंधन जीते। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी चाहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बने, राहुल गांधी जी पीएम बने, हम सबका मतलब यही सोचा और सपना भी। चलिए लौटेंगे आपके पास, जेपी जी क्या कहेंगे, आंकड़े शुरुआती रुझान है, बदल भी सकते हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, जनता ने डेवलपमेंट, शिक्षा, महंगाई, रोजगार पे ना एनडीए सरकार को वोट दिया है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं मशीनों में इन्होंने जो फेर बदल किए हैं, जो जो मेन मेन था, अभी भी नहीं है। देखिए मैं आपको फिर बता दूँ, आप मुझे बताइए क्या रुझान आ रहे हैं? रुझान क्लीन स्वीप होना था इस बार इंडिया सरकार को, क्यों अभी भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, स्मृति ईरानी, मैं बोलूंगा स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से देश के ऊपर एक माहौल ऐसा बना दिया था कि महंगाई कहीं है ही नहीं, आज बताइए महंगाई का हाल देखिए, बेरोजगारी का हाल देखिए। इमरान प्रताप गढ़ी है इस वक्त, सर क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे? इमरान प्रताप गढ़ी है यहाँ पर मौजूद, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो शुरुआती रुझान है और यहाँ पर जो लगातार आंकड़े हैं और जो एलईडी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उसको लेकर जो है यहाँ पर उत्साह जो है कांग्रेस ऑफिस में है और इमरान प्रताप गढ़ी सामने खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूँ, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ, एक शेर और इसके साथ, ना झूठे जुमलेबाजों से ना नफरत वाली आंधी से, ये देश अगर चल सकता है तो केवल राहुल गांधी से। बधाई हो आपको, यही असली एग्जिट पोल है कि स्मृति ईरानी लगातार पीछे चल रही है। देश का असली एग्जिट पोल है जो अब दिखाई पड़ रहा है, स्मृति ईरानी जी पीछे हैं, नरेंद्र मोदी जी खुद काफी पीछे रहे और नरेंद्र मोदी जी उनके लिए चुनाव प्रचार करने भी नहीं गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। यूपी से जो रुझान आपके पक्ष में आ रहे हैं, वो एक तरीके से पलट है, एकदम उल्टी आ रहे हैं। हमें पता था ऐसा ही होगा, हमें पता था संविधान बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश लड़ेगा, हमें ये बात पता थी। और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है और आ रहा है, जो रुझान दिखाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये नतीजे में बदलेंगे? भाजपा किसी भी कीमत पर बहुमत नहीं पाएगी, नहीं पाएगी, नहीं पाएगी। लेकिन आप गढ़ी जी अभी भी आंकड़े जो है लगातार बदल रहे हैं, उस पर क्या, वो बदल के और अच्छे हो जाएंगे शाम तक। चलो चलिए, तो इमरान प्रताप गढ़ी हमारे साथ रहे, इमरान प्रताप गढ़ी ने जो है लगातार बताया और साफ कह रहे हैं कि अभी जो आंकड़े बदल रहे हैं वो बदल कर अभी भी शाम तक जो है इंडिया गठबंधन के फेवर में जो है आने वाले हैं। और आप सीधी तस्वीर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस
दफ्तर में या किस तरीके से यहाँ पर नौजवान भी मौजूद हैं, अग्निवीर से जो युवा इफेक्ट हुए थे वो मौजूद है और यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सीधी बातचीत करवा रहे हैं। किस तरीके से जो है लोगों में उत्साह बना हुआ है, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, बहुत भावुक हो रहा हूँ। जो जुल्म सितम 10 साल सींचे हैं उसका आज हमारे लिए बहुत बड़ी दिन है, बहुत बड़ी दिन। आज जो लोग जुल्म का शिकार है, बहुत लोग जेल के सलाखों में है, आज आंसू निकल रहे हैं आंखों पर, खुशी की आंसू, भावुक हो रहा हूँ। जो लोग बहुत परेशान इन सरकारों से, जालिमों से, आज हमारा दिन आ गया है इन जालिमों को जवाब देने के लिए। और क्या करते हैं काम आप? हम ऑटो चलाते हैं, हमारा काम 2014 के बाद से खत्म हो गया, हमारा भूखमरी के कगार पे है आज ये पोजीशन है कि क्या बोलूं। अगर हम इंडिया के दो रोटी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। और इंडिया राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी से बहुत उम्मीद है और सबका पेट भरा है। कांग्रेस पार्टी सबका मकान दिया, सबको इज्जत दिया, सबको कपड़ा दिया, ये कांग्रेस पार्टी। और ये जुमलों की पार्टी नहीं है, ये सच्चाइयों की पार्टी है। प्रधानमंत्री सदा गरीबों के साथ रहा है ये कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री बनाना, मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये लोग कहीं जुमलों धोखेबाजों मक्कारों के जी संभालिए खुद को, भावनाएं देखिए कैसे खुशी के मारे आंसू बह रहे हैं। योगी जी क्या कहेंगे, बाल योगी देख इस तरीके से आज कांग्रेस दफ्तर में जो है भागम दौड़ी लगी हुई है, क्या कहेंगे कि जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं इंडिया की सरकार बनने जा रही है ये तो तय है, शाम होते होते आप देखेंगे कि इंडिया की सरकार बनेगी और जो राहुल जी ने कहा था 295 प्लस होके रहेगी, आप देख लीजिएगा जी। तो यहाँ पर जो है तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या लोगों के कहना है और किस तरीके से जो है खुशी का, उल्लास का जो है यहाँ पर लहर दिख रहा है। और यहाँ पर इमरान प्रताप गढ़ी लगातार जो है यहाँ पर हैं और ये कार्यकर्ताओं के बीच आके उनसे बातचीत कर रहे हैं और लगातार जो है जीत के ताल ठोक रहे हैं, जीत पर दाव दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शाम तक जो आंकड़े हैं अभी बदल जो रहे हैं, शाम तक आंकड़े वो आके बदल कर जो है इंडिया गठबंधन के फेवर में चले जाएंगे। इस वक्त जो है सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में किस तरीके का माहौल है वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो आंकड़े लगातार जिस तरीके से घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो तस्वीरें आपको सीधी तौर पर हम दिखा रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर क्या कहेंगे, जो आंकड़े आ रहे हैं जो घटित बढ़े तो हो रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये पहले से रुझान तय था। अच्छा, सबसे बड़ी खबर ये है कि स्मृति ईरानी जो है कई हजार वोटों से पीछे चल रही है। देखिए नई स्मृति ईरानी पैदा की जा रही है, कंगना राउत को जिताया जा रहा है, जबरदस्ती वो भी हार रही है। हालात बहुत बुरे थे लेकिन सभ्य तरीके से जो चुनाव हुए, जनता ने जो आक्रोशित होकर इनको मत दिया, उससे यह बात तो क्लियर है, यह बात तो एकदम क्लियर है कि आज जो देश में बदलाव की स्थिति, भक्ति में कमी आई है, जो एक तरफा रास्ता उसमें कमी आई है। और ये संघर्ष आज का नहीं है, 10 सालों का संघर्ष है। 10 सालों से सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने, बड़े लोगों ने भी इस पे काम किया, हम लोगों ने भी जनता के पास गए और अचानक कहीं ना कहीं बदलाव हुआ। भक्ति की बात कर रहे हैं लेकिन राम मंदिर का मुद्दा फ्लॉप हो गया क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए अभी कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को भूल गई थी, बुढ़ापे में पेंशन को भूल गई थी, महंगाई के नाम पे हम जैसे लोगों को भूल गई थी। हम लोगों को झोली पे 5 किलो राशन दे दिया गया था। आने वाले समय में जब भी देश की राजनीति पलटेगी, यह बात याद करेगा कि 3 राजकुमारों ने राजा को हरा दिया। 3 राजकुमारों को, सबसे बड़े राजकुमार राहुल गांधी, जो कि यात्रा किए, मेहनत किए, जनता को जोड़े, आवाज परिणाम देखिए कि सामने दिख रहा है। और कल तो 400 का आंकड़ा भी नहीं, से नीचे कोई आ ही नहीं रहा था, इतनी गोदी मीडिया थी, कोई 400 के नीचे नहीं आ रहा था। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जनता पोल निकलेगा कहीं ना कहीं। आने वाले समय में जिसको हेलीकॉप्टर मिलेगा वो उन्हीं का पोल दिखाएंगे। मैं इतनी ही स्पष्टता से एक ही बात कहना चाहूंगा, ईमानदारी से, ये जनता की जीत है। पर देखिए राहुल गांधी के नारे लग रहे हैं किस तरीके से और ये कांग्रेस दफ्तर के
हालात हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से तस्वीरें जो है सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो माहौल बनाया गया था और अब जो माहौल है, कितना अंतर दिख रहा है उसमें आपको? कहीं ना कहीं अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। हम भाजपा को हरा रहे हैं, पूरी तरह से हरा रहे हैं। भाजपा ने 400 पार के नारे दिए थे। अरे भाजपा तो नशे में कोई भी नारा दे सकता है। आंकड़े जो है शाम तक बदल भी सकते हैं, जो आंकड़े अभी आंकड़े हमारे फेवर में क्यों नहीं आ सकते? जनता ने हमें वोट दिया, फेवर में हमारे आएंगे। बात खत्म। आपके फेवर में पूरे कॉन्फिडेंट के साथ? क्यों, जब बीजेपी वाले बिना कुछ किए बूथ कैप्चरिंग करके कॉम्बिनेट कर सकते हैं तो हम तो जीत के आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में पसीना बहाया है। चलिए, तो ये सीधी तस्वीर जो है कांग्रेस दफ्तर से दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल है और जो आंकड़े में लगातार जो है बदलाव दिख रहे हैं एलईडी स्क्रीन पर। जी, क्या 19 लाख जो चोरी हुआ था ईवीएम मशीन, उसका यूज अभी हो रहा है ना? यूज हो रहा है कि नहीं? 19 लाख चोरी हुआ था, मोदी उसका जाँच करवाया नहीं करवाया? वो जीत के आया, दो टर्म रहा, किया क्या? क्या किया विद्यार्थी के लिए? आपको घोटाले लग रहे हैं? बहुत घोटाला ही घोटाला है। अब मिस्टर सबको आईएएस आईपीएस को बोलाया, घोटालों का सरदार है मोदी। मोदी जी ईवीएम घोटाले के सरदार हैं, ये चौकीदार नहीं, इन्हें चोर भी कहना भी शर्मनाक है। बिहार से धरना प्रदर्शन होगा ईवीएम के खिलाफ, देश से ईवीएम को उखाड़ के बिक दिया जाएगा। 32 सीटें आ गई हैं एनडीए में। आ गया ना, चोरी से नीतीश बा किया है, चोरी से हुआ है। वहाँ का आईएएस आईपीएस को धमकाया गया है। हाँ जी, चुनाव आयोग कह रहे सब गलत। चुनाव आयोग तो दोगली बात कर रही है। चुनाव आयोग मोदी जी का है। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग को बनाया कौन? मोदी बनाया, समझे ना? देश में क्रांति आएगा, अब ऐसा वैसा क्रांति नहीं आएगा। सारा विद्यार्थी रोड पर रहेगा, लोकतंत्र की सरकार, ये सत्ता खत्म होगी। बीजेपी बनने दीजिए। तो ये तस्वीर देखिए और लोगों में उत्साह और जो है साथ ही ये अलग अलग जो है प्रतिक्रिया देखने को मिल सकता है। किसी न किसी अभी भी ईवीएम पर जो है जरा सा भी भरोसा नहीं है और अभी भी लोगों को संदेह है कि जो आंकड़े थोड़े बहुत कम दिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है ईवीएम के अंदर का जो है घोटाला वो कहीं ना कहीं उसके कारण जो है अभी भी आंकड़े में थोड़ी बहुत जो कमी दिख रही है इंडिया गठबंधन के वो ईवीएम के घोटाले के कारण है। और अब जो है आगाज होगा बिहार से ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। और इस वक्त जो है कांग्रेस दफ्तर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, जश्न के माहौल है, ऐसा लगता है क्रिकेट के स्टेडियम में खड़े हैं। हर थोड़ी देर के बाद जब आंकड़े बदलते हैं तो शोर निकलता है, जैसे छक्के और चौके पर स्टेडियम में शोर निकलता है वैसे ही शोर यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में आ रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।